राजनीति ही इनका धर्म है, यही इनका कर्म है। सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जब देखें तवा गर्म है। इनकी डिक्शनरी में एक नया सेंटेंस, नया वर्ड ऐड हो गया है, DOD यानी धर्म ऑन डिमांड। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8, तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले इस खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। राष्ट्रवाद से हिंदुत्व तक, कुरान से जय हनुमान तक, राजनीति का धर्म। अंग्रेजी हुकूमत के 200 साल की राज से आजादी को भले ही 75 साल पूरे हो गए हों, लेकिन आज भी भारत की, हिंदुस्तान की राजनीति की राय वैसी ही है जैसे 1940 के दशक में थी, जिसके चलते देश दो हिस्सों में बट गया। यानी धर्म के नाम पर राजनीति जोरों पर है, और तो और राष्ट्रवाद भी हुलारे मार रहा है। कुल मिलाकर राष्ट्रवाद और धर्म के डबल डोज हर पार्टी इस्तेमाल कर रही है, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में है। इस बात से अनजान है कि एक दिन ये देश में ऐसी गहरी खाई पैदा कर देगा जिसे पाटना नामुमकिन होगा। 24 की पिच तैयार, धर्म होगा सियासी बल्लेबाजों का बल्ला, राजनीति के मैदान में धर्म का खेल, धर्म और राजनीति का चोली दामन का संबंध है। धर्म का अर्थ महज कर्मकांड नहीं है, बल्कि नैतिकता का अधिष्ठान है। धर्म का अर्थ है आचार व्यवहार, सदाचार की स्थापना, व्यक्ति और समाज के बीच एकात्म भाव की बुनियाद कायम करना। इस तरह धर्म एक जीवन शैली है। दूसरी ओर राजनीति का अर्थ है राज प्लस नीति। राज का शास्त्रों में मान्य अर्थ है शासन व्यवस्था, और नीति उसके सुसंचालन के सूत्र हैं। दूसरे शब्दों में शासन व्यवस्था दुराचार पर अंकुश रखने के लिए है। इस तरह धर्म का लक्ष्य सदाचार की स्थापना से है, जबकि शासन व्यवस्था का लक्ष्य दुराचार पर अंकुश रखकर सुशासन लाने से है। लेकिन भारतीय राजनीति में धर्म और राष्ट्रवाद अफीम की तरह फैलता जा रहा है। हर कोई राजनीति का धर्म भूलकर धर्म की पिच पर बैटिंग करने को तैयार है, लेकिन हर कोई दिखलाता यही है कि वह धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। इसे आप कथनी और करनी में अंतर कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई मंदिर की राजनीति करता है तो कोई मस्जिद को शहीद बताता है। बीजेपी ने 2013 के बाद अपनी राजनीति जिस मूल अवधारणा पर आधारित की, वह थी धर्म और राष्ट्रवाद। इनका मेल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के लिए मारक साबित होता है, बशर्ते प्रतिद्वंदी दल इस पर ज्यादा प्रभावी दावा न कर लें। हाल के वर्षों में कांग्रेस और आप दोनों ने हिंदू धार्मिक भावनाओं पर बीजेपी के एकाधिकार को चुनौती दी है। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमे, धार्मिक अनुष्ठान किए, उनके लोगों ने जनेऊ और गोत्र के हवाले दिए, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने हनुमान चालीसा से लेकर गुजरात के मंदिरों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर कहा जाए तो धर्म की राजनीति और उस पर राष्ट्रवाद का तड़का 2024 के समर का सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति और धर्म की। राजनीति का काम समाज के लिए विकास और उन्नति के लिए नीतियां बनाना है, लेकिन नेताओं ने राजनीति को राज करने की नीति तक सीमित कर दिया है। राजनेताओं ने राजनीति का धर्म भुलाकर अपनी जिम्मेदारी के कर्ज को खुद से अलग कर दिया, और धर्म की राजनीति करके सत्ता को हथियाना उनका एकमात्र लक्ष्य हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धर्म को राजनीति में शामिल किया जाना चाहिए? क्या आज की राजनीति का धर्म हिंदू मुस्लिम करना ही है? और क्या धर्म और राजनीति के कॉकटेल से सांप्रदायिकता फैलती है? इन सभी मुद्दों को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब, जो BBC के एडिटर भी रह चुके हैं, लेखिका
और प्रोफेसर मधुला मुखर्जी जो JNU में प्रोफेसर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अमिताभ सिन्हा साहब और सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट अश्वनी दुबे साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बात शुरू करते हैं शिवकांत जी से। शिवकांत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, लंदन से हमारे लिए जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। आपने हिंदुस्तान और दुनिया भर की राजनीति को और धर्म को बहुत अच्छे से समझा है। थोड़ा मुझे समझाइए, यहाँ पर कॉकटेल कुछ ज़्यादा हो गया है क्या हिंदुस्तान की राजनीति में? इसका धर्म का और राजनीति का मिलकर ये जो कॉकटेल है जी, ये घालमेल कुछ ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि जिस तरह से देश की संकल्पना की गई थी, तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना की गई थी जी। और अगर आप संविधान सभा को भी याद करें तो उसमें अम्बेडकर, के एम मुंशी और कृष्णमाचारी जैसे जो लोग थे जी, वो शुरू से इस बात के पक्षधर थे कि धर्म को जितना हो सके राजनीति से दूर रखा जाए, सामाजिक जो मतलब कायदे कानून है उनसे भी दूर रखा जाए। इसीलिए संयुक्त नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात की, और ये तीनों उसके जो है वो चैंपियन थे जी। लेकिन हुआ ये कि मुस्लिम्स ने ऐतराज किया और मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं ने ऐतराज किया, तो धार्मिक दबाव तभी से पड़ना शुरू हो गया। ये दुर्भाग्य की बात है, विडंबना की बात है कि आजादी से पहले जो मुस्लिम लीग मांगे रखती थी कि सेपरेट अलग इलेक्ट्रेट होना चाहिए, समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें लौट के आ गई। और उसके बाद बहुत सी चीजों पर ठीक है सैद्धांतिक रूप से आपको ये मान के चले, लेकिन आप झुक गए। अगर समान नागरिक संहिता होती तो शायद जो है बानो केस न होता तो अयोध्या न होती, अयोध्या न होती तो इतने जो खून खराबा हुआ है वही न होता जी। तो आपने जो नींव रखी वही आपसे चूक हो गई, घालमेल वहीं से शुरू हुआ जी, घालमेल वहीं से शुरू हुआ है। अश्वनी दुबे साहब, शिवकांत जी ने चर्चा की संविधान सभा की, आप संविधान सभा और संविधान के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं प्रोफेसर मधुला जी के पास आऊं, उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं संविधान क्या कहता है धर्म और राजनीति को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और चर्चा बड़ी प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि कुछ नेता सिर्फ एक वर्ग विशेष की, धर्म विशेष की बात करके योजनाएं बनाने की बात करते हैं जी, और चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि जो भारत की संवैधानिक जो व्यवस्था है जिसमें पंथ निरपेक्ष शब्द है, जिसमें धर्म निरपेक्ष शब्द बाद में अमेंड होकर के आया जी, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी जो सरकार है वो धर्म के आधार पर कानून नहीं बना सकती है। उसके अलावा ये भी है कि इसी संविधान में माइनॉरिटी की डिफरेंट डेफिनेशन है, इसी संविधान में माइनॉरिटी की डेफिनेशन इसलिए डिफरेंट है कि एक स्टेट में माइनॉरिटी का कुछ अलग मायने है, दूसरे स्टेट में कुछ अलग मायने, एक जगह पर जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी डिस्पाइट के पूरे देश में फिर भी नहीं मानी जाती। तो ये समझना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी देशों की पंथ निरपेक्षता से थोड़ी सी भिन्न है। देखिए, धर्म शब्द का अर्थ पंथ नहीं होता, इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द ही गलत है। सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं अपितु पंथ निरपेक्ष होता है, और धर्म शब्द का किसी भी समृद्ध भाषा में कोई पर्यायवाची। जो 42वां संशोधन हुआ, उस संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, लेकिन इसका प्रयोग भारतीय संविधान के किसी अन्य भाग में नहीं किया। और भारत को और ऐसे जो अनुच्छेद है उसके आधार पर ये एक धर्म निरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है जी। लेकिन अगर हम देखें तो भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जी। संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे, और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 कहता है अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी वो कुछ कहता है कि धर्म निरपेक्षता के आधार पर
लेकिन धर्म अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार की भी बात करता है। अब अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास सिद्धांतों को प्रसार करने का भी अधिकार दिया गया है और 26 में धार्मिक संस्थानों की संस्था का भी अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जी। तो ये जो बातें हम देखते हैं संविधान में एक एक करके आगे चले आते हैं तो बड़ी सुविधा अनुसार अपने अनुसार सेलेक्टिवली लोग उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या करके अपने अनुसार उसको यूज करते हैं। बहुत अच्छे से आपने इस बात को जिक्र किया है। प्रोफेसर मधुला मुखर्जी, अश्वनी जी ने संविधान की जो डिफाइन है, हमारे आर्टिकल्स हैं, उनका जिक्र कर दिया, शिवकांत जी ने भी जिक्र किया, लेकिन असल बात मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भावना के तौर पर ये जो भावना थी और जो किताब में लिखा है, हमारी मोटी किताब में जो हमारे आज के धर्म की किताब है यानी संविधान है, उसमें और आज जो हम जी रहे हैं राजनीति को और समाज को, क्या वो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है? अश्वनी जी ने एक बात बहुत खूबसूरत तरीके से कही कि सुविधा अनुसार व्याख्या। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो बहुत मतलब कोई भी इसका आपके सवाल का जवाब यही देगा कि जो संविधान में हमारे लिखा है जो और आज जो हम देख रहे हैं जो हो रहा है राजनीति का इस धर्म का इस्तेमाल हो रहा है जो राजनीति के लिए, उन दोनों में कोई तालमेल नहीं। और मुझे लगता है कि जो अमिताभ जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया अलग अलग आर्टिकल्स जो उसमें अनुच्छेद है, हाँ जी, और जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में वो बात अपनी जगह बरकरार है। पर मुझे लगता है कि जब जो लोग राजनीति में हैं, जो हमारा देश चला रहे हैं, वो ये इन सब नाइसिटीज में कोई नहीं चाहते हैं और ना ही उनको कोई बहुत ये तकलीफ है कि वो एक भी उस पर फिट इन हो रहे हैं या दूसरे में फिट इन हो रहे हैं। यहाँ तो एक तरह का बुलडोजर चला हुआ है जी, कि भाई जो उन्होंने अपनी राजनीति के उद्देश्य के लिए करना है वहां पे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। धर्म का भी इस्तेमाल हो रहा है, जाति का भी इस्तेमाल हो रहा है, हर एक तरह के जो आइडेंटिटी के मार्कर्स हैं हमारे देश में जी, कुछ पुराने हैं, कुछ नए बनाए जाते हैं, कुछ क्रिएट किए जाते हैं, कुछ को बढ़ावा दिया जाता है, ये सब चीजों का इस्तेमाल एक बिल्कुल सीधे तरीके से पावर में रहने के लिए और अपने पावर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे संविधान जैसी जो चीजें हैं वो तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं याचिका लेके कि ये हमारा उल्लंघन हो रहा है तभी सामने आती है। मुझे लगता नहीं है कि जिस वक्त पॉलिसीज बनती हैं या पब्लिक अनाउंसमेंट होती हैं या एक्चुअल पॉलिटिक्स ग्राउंड लेवल पे जो होता है, जब आप बुलडोजर भेजते हो कोई प्रोटेस्टर के घर को तोड़ने के लिए, पूछते भी नहीं हो कि इसके का कानून क्या है, किसका घर है किसका नहीं है, तो वहां पे कौन आजकल परवाह करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है जी। ये बहुत दुख की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो प्रोविजन है उसको जो लैक ऑफ कंसर्न है उसके लिए, ये मुझे तो सबसे बड़ी चीज लगती है। ये पहले ऐसा नहीं था जी। अमिताभ सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी खुशनसीबी कि एक और संविधान और कानून विशेषज्ञ हैं अमिताभ जी भी। अमिताभ जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, शब्दों का भी बहुत महत्व है ना। अश्वनी जी ने इतनी बात समझाई और एक बात बहुत चुपके से कह दी कि सुविधा अनुसार व्याख्या होती है। ये सुविधा अनुसार व्याख्या की व्याख्या आप जैसे विद्वान लोग करते हैं राजनेताओं को समझाने के लिए, कैसे देखते हैं आप इसको? धन्यवाद विजय जी। सबसे पहली चीज मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ और इसीलिए यदि विशेषज्ञ के नाते मेरा परिचय देंगे तो मुझे खुद ही इसमें एक झेप या एक तरीके का कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्यार्थी रहने दीजिए। और अब मैं बात करता हूँ कि यदि मैं किसी को समझाने की स्थिति में होऊंगा तो मैं निश्चित रूप से समझाऊंगा वैसे लोगों को जो मेरी दृष्टि में दिग्भ्रमित हैं, जिनको यही नहीं पता है कि राजनीति जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए ना कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए।
लेकिन लेकिन मेरा काम और मेरा दायरा जो है वो सीमित है। आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ संक्षेप में। जी देखिए विजय जी, मैं दो चीज़ों पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। आपने एक बड़ा ही विषय, समसामयिक विषय उठाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धर्म और राजनीति, मैं मानता हूँ धर्म के बगैर राजनीति एक एक मृगमरीचिका, एक एक श्लाघा है, एक गलती है। राजनीति को धर्म से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है उसके बारे में ही भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। धर्म जो है हमारे यहाँ धारयति इति धर्म, जो धर्म जो धारण करे, व्यवस्था को धारण करे वो धर्म है। नैतिकता के का पर्यायवाची धर्म है भारत में। यहाँ पर पूजा पद्धति को धर्म नहीं मानते, लेकिन सनातन धर्म को जानने वाले तो यहाँ कोई है नहीं। सब वही इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, 1935 इंडिया एक्ट को ट्रांसलेट करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और उसमें जो जो रिलीजन का शब्द था, उस रिलीजन शब्द को उन्होंने जो पूजा पद्धति थी उसका अनुवाद किया, उन्होंने धर्म बना दिया। देखिए ये बहुत संकीर्णता है विजय जी, इसको गंभीरता समझने की जरूरत है। इसीलिए धर्म से अलग राजनीति जो है वो कीचड़ है। और मैं गांधी जी के बहुत से विषयों पर मैं उनकी उनकी बातों को मैं आलोचना करता हूँ, लेकिन उनका ही एक मैं कोट करता हूँ। उन्होंने कहा था, बहुत फेमस कोटेशन है, धर्म की बगैर राजनीति कीचड़ है, कीचड़ है। जी तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ धर्म यानी नैतिकता, नैतिकता के बगैर धर्म राजनीति नहीं। लेकिन मैं अब आप बात करता हूँ, जो जब संविधान बना तो संविधान बनने के समय ही इसमें बड़े सारे जिसको कहते हैं कंट्राडिक्शंस हुए, इसमें आपसी अंतर्विरोध बहुत हैं। सबसे पहले तो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। यदि धर्म नहीं था, यदि जो पूजा पद्धति जिसको मानते हैं, तो उसके आधार पर यदि ये विशेष नहीं था तो फिर इसका विभाजन क्यों हुआ? यदि विभाजन हुआ तो फिर इसमें कन्फ्यूजन क्यों रहा? और उसके बाद यदि आपने इसको कहा कि ये तो पंथ निरपेक्ष होगा, इसमें सभी व्यक्ति समान होंगे, जो जो शुरुआती कई जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जब कहा गया कि 14, 15 और 21 तो तीन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं जो समानता का अधिकार, 14, 15 और 21 मैंने तीन बोला, तो 14, 15, 21 जो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें समानता के विषय पे बहुत जोर दिया गया है। तो उसी के साथ साथ विरोधाभास में, कंट्राडिक्शन में 29 और 30 जोड़ दिया गया। जो 29 और 30 है वो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करता है। जब रिलीजियन है ही नहीं धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्षता की बात करने वाले, फिर आप कहाँ से रिलीजन की बात लेके आए? कहाँ पर आप पूजा पद्धति की बात ले गए? और कहाँ से पूजा पद्धति के आधार पर आपने उनको विशेष अधिकार दे दिए? शिक्षण संस्थाओं में, मदरसों में आपने उनको अपने कुरान पढ़ाने का अधिकार दे दिया और मदरसों को आर्थिक संरक्षण दे दिया। और तो और आज की डेट में भी उसी 29 और 30 का जो जो अनुच्छेद का दुरुपयोग करके बहुत से जगहों पे, जैसे मेडिकल कॉलेजेज हैं या बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उनमें उनकी अपनी फीस की स्ट्रक्चर तय करने की स्वतंत्रता है, वो जितना भी चाहे फीस लेते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान के अंतर विरोधों पे आधारित है। मैं मानता हूँ कि संविधान नहीं है, और बाद में 1972 में जब 42वां संशोधन हुआ उसमें जो ये धर्म निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द जोड़ा गया इंदिरा गांधी के द्वारा, उसने और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं मानता हूँ कि ये जो समान नागरिक संहिता वगैरह के विषय हैं वो अलग विषय है, जिसको कि उसी समय लगाना चाहिए था। और यदि उसी पे आगे चलना है तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा अंत में विजय जी, कि इसको बहुत स्पष्ट, या तो आप सबको हटा दीजिए, 29-30 को हटाइए जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हैं, या फिर एकदम पूरी तरीके से रिलीजन पे बात करिए, कुरान की बात करिए, शरिया कानून की बात करिए, और आईपीसी की जगह पे मुसलमानों पे शरिया कानून लगाइए, हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। तो ऐसे या तो क्लैरिटी हुई है, इसमें कंफ्यूजन होने से ही सारी गड़बड़ियां भारत सरकार में, भारत के संविधान में पैदा होती है, मैं ये मानता हूं। ठीक है प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, अमिताभ जी ने जो कंट्राडिक्शंस की बात की, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ऐसे तो हम जो मैंने कहा ना कि ये विश्लेषण करते रह सकते हैं कि इस आर्टिकल में ये है, उस आर्टिकल में ये है, पर मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं उसके कारण से ये हुआ है। वो तो मैं भी उस डिस्कशन में इसीलिए नहीं घुसना चाहती क्योंकि वो बहुत डिटेल लेवल पे हो जाएगी। जी। मुझे नहीं लगता कि कॉज, जो हमारे सामने इश्यूज हैं उसका कॉज वो है कि आर्टिकल्स के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस है। वो कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं है, वो अलग एक एकेडमिक डिस्कशन है। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा
कि गांधी जी ने जिस मायने में धर्म शब्द का इस्तेमाल किया और जो हमारे परंपरा में जिस तरह से हम धर्म शब्द को हम समझते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा एक आचरण का तरीका है, वो एक लेवल पे है। पर हमें ये भी मालूम है कि रिलीजन वर्ड जो है, गांधी जी ने वर्ड रिलीजन यूज किया अंग्रेजी में धर्म के लिए, पर उन्होंने बाद में ये भी कहा कि मेरा मतलब जब मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स रिलीजन के बगैर नहीं हो सकता, मेरा मतलब एथिक्स से है और मेरा मतलब मोरालिटी से है। पर जब लोगों ने उसका गैर इस्तेमाल करके ये कहना शुरू किया कि गांधी जी ये चाहते हैं कि राजनीति में धर्म को का कॉकटेल बनाया जाए, तो गांधी जी ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि दूसरा शब्द, इस शब्द का जो मीनिंग है डिनोमिनेशनल रिलीजन, जिसको ये रीति रिवाज और ये सब रिचुअल वाली बात कह रहे हैं, वो उससे थोड़ी बढ़ के है। वो जो एक फेथ, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल, एक डिनोमिनेशनल रिलीजन जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो उन्होंने साफ कहा कि इस रिलीजन का कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में। और उन्होंने बार बार अंग्रेजी में, वो अंग्रेजी भी यूज करते थे, वो सिर्फ गुजराती या हिंदी में नहीं बोलते थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि इंडिया विल बी अ सेक्युलर स्टेट। मैं आपको बहुत सारे कोटेशन बता सकती हूँ, ठीक है। तो लेट अस बी ऑल्सो क्लियर कि गांधी जी ने भी इस शब्द का, और ये क्लैरिफाई करके इसके दो मीनिंग होते हैं, और कहा कि पहला जरूरी है और दूसरा बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिवकांत जी, अमिताभ जी ने आता हूँ, अमिताभ जी आपके पास कुछ छोटा कमेंट आप करना चाहते हैं? अमिताभ जी, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, छोटा ही है। देखिए, जो जो मृदुला जी ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इसमें गांधी जी ने जो कहा उस परिप्रेक्ष्य में मुझे इस पे चर्चा ही नहीं करनी थी। गांधी जी से बहुत बड़ा हमारा देश है सनातन धर्म, गांधी जी उसके बीच में कहीं नहीं आते। गांधी जी ने कहा, मैंने उसको एक सामयिक तरीके से कहा, बहुत से लोगों को वही समझ में आती है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों के शासन से, तो उसके बाद सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो एकदम से उसका विरोध इतना करते हैं कि दुश्मनी के स्तर पे, लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह में जाते हैं, वहां जाके चादर चढ़ाते हैं। देखिए, तो इतना विरोधाभास यदि हुआ है भारतीय व्यवस्था में शुरू से, तो आज यदि उसका उसका पालन कोई कर रहा है या उसको फॉलो कर रहा है, तो इसको ये नहीं करना चाहिए। नई व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था में एक जो जो अभी आज की समाज की जरूरत है उसको पूरा किया गया जी, वो इससे उलट भी आजकल हो रहा है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक पर जाने का, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे सभी विद्वान मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की, हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। ये हमारे पोल का सवाल है कि क्या राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। आप हमें अपनी राय ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, कहीं मत जाइएगा। राष्ट्रवाद से हिंदुत्व तक, कुरान से जय हनुमान तक, राजनीति का धर्म। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या राजनीति को धर्म से अलग करना चाहिए, अलग रखना चाहिए, इसे लेकर हमने आम लोगों की राय जानने की भी कोशिश की, आखिर देश की जनता क्या कहती है। देखिए जन का मन। तो मेरा यही मानना है कि धर्म और सियासत दो अलग अलग पहलू हैं और हमेशा अलग ही रहने चाहिए, तभी देश में शांति व्यवस्था भी बनी रहेगी, देश में विकास भी होगा और देश उन्नति के पथ पर जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप धार्मिक विचारधारा वाले हैं तो एक इंडिविजुअली आपके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सियासत में हैं तो आप धर्म को मिक्सअप करके नहीं चल सकते। राजनीति को धर्म से एकदम अलग रखना चाहिए, दोनों का कोई सामंजस्य नहीं है। अगर हम धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं तो अच्छे और सुयोग्य राजनेता हम नहीं चुन पाएंगे, इसलिए कि जब जाएंगे तो हमारे जनता जो हम लोग हैं, हम लोग अपने धर्म के आधार पर चुनाव करेंगे, तो पता लगेगा कि दूसरे धर्म का कोई बहुत ही योग्य नेता है वो किनारे हो गया। इसलिए राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल मेरा मानना है और ऐसा सभी का मानना है, धर्म और राजनीति दोनों अलग होने चाहिए। धर्म एक आदमी अपनी इच्छा से करता है, स्वेच्छा से करता है, जिसकी इच्छा होगा धर्म का पालन करेगा, जिसकी इच्छा होगा नहीं करेगा, क्योंकि लोग नास्तिक भी लोग रहते हैं और आस्तिक वाले भी रहते हैं।
तो धर्म और राजनीति अगर एक साथ आएगा तो देश में कलह का माहौल बन जाएगा, एक दूसरे साथ में लड़ेगा, विकास रुक जाएगा। कुछ ट्वीट्स भी हमारे पास हैं, जनता के चुनिंदा ट्वीट्स हम लोग देख लेते हैं। धर्म की राह पर चलकर ही देश सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है, ये रतन अग्रवाल ने ट्वीट किया है। देश के राजनेता राजनीति का धर्म भुलाकर धर्म की राजनीति करने में लगे हैं, निशांत बेदी ट्वीट कर रहे हैं। देश के राजनेता राजनीति का धर्म भुलाकर धर्म की राजनीति करने में लगे हुए। मेरे पूरा विद्वान पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शिवकांत जी, विद्वानों के साथ मेरी दुविधा ये रहती है कि विद्वान जो हैं हर शब्द को बहुत बारीकी से डिफाइन करते हैं, जैसे अमिताभ जी ने किया, अश्विनी जी ने किया, मृदुला जी ने किया और आपने किया। मैं मोटी बात समझता हूँ कि धर्म को हम कैसे भी डिफाइन कर रहे हैं, धर्म की परिभाषा कर रहे हैं, धैर्य को, धारण को, गांधी को, सबको, असल में तो हिंदुस्तान का धर्म अब राजनीति में मंदिर का शिलान्यास करना, टोपी पहनना, जनेऊ धारण करना और फिर उस पर नारे लगाना, गलत कह रहा हूं मैं आपको? और क्या इससे अलग कर सकते हैं हम राजनीति को? देखिए, इस पर राजनीति हो रही है लेकिन ये राजनीति का धर्म नहीं। सैद्धांतिक तौर अगर मैं भाषा के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता इस वक्त, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हमारी बहस की भावना के अनुकूल भी नहीं। सैद्धांतिक तौर पर बात करें तो पश्चिम में धर्म को राजनीति से अलग रखने की जो धारणा है वो मैकियावेली से शुरू होती है। 16वीं सदी के जो है वो फिलोसोफर थे जी, और कूटनीतिक आप उनको कह सकते हैं, उन्होंने किताब लिखी द प्रिंस जी। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में तो ये शुरू से चाणक्य ने, चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था उसका राजधर्म कोई नहीं था जी। भारत में पहली बार बौद्ध धर्म को राजधर्म अशोक ने बनाया जी, और अशोक के बाद 3-4 पीढ़ियों तक बौद्ध धर्म राजधर्म रहा। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने उसको पलट दिया और उसके बाद से आप पूरे जो है विक्रमादित्य के और ये मध्यकाल में आ जाएं, कभी भी धर्म राजधर्म नहीं। वो इसलिए नहीं था कि सबको समता और समरसता के साथ रहने का अधिकार था, किसी से कर नहीं वसूल किया जाता था दूसरे धर्म का पालन करने के लिए, ये बाद में शुरू। तो मूलतः लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की जो परिकल्पना है, पश्चिम के लोकतंत्र की परिकल्पना या पश्चिमवादी लोकतंत्र की परिकल्पना, उसका मूल मंत्र यही है, दो चीजें हैं, समता और समरसता। और समता और समरसता तभी रह सकती है जब आप जातिविहीन समाज, जो कि हम जिसकी परिकल्पना लेकर के चले थे, और किसी धार्मिक भेदभाव से विहीन समाज जी। आप धर्म को व्यक्ति से अलग थोड़े कर सकते हैं, राजनेता नास्तिक थोड़े हो जाता। राजनेता का अपना धर्म रहता है, लोगों का अपना धर्म है, वो विश्वास है, वो उनकी अपनी चीज है, वो निजी चीज। राजनेता अपने निजी स्वार्थ को अगर राजनीति में उड़ेलने लगे तो राजनीति गड़बड़ हो जाती जी। उसी तरह से आप अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर राजनीति को अगर हवा देने लगेंगे तो राजनीति में झोल आएगा। और इस वक्त यही हो रहा है, राजनीति के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, जाति के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, जाति के आधार पर नीतियां बन रही हैं, धर्म के आधार पर नीतियां बन रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए जी। हमें मतलब ये राजनीति का धर्म ये कहता है, राजनीति का धर्म ये कहता है कि धर्म को अलग रख। एक तो है धर्म की राजनीति और एक है राजनीति का धर्म। धर्म की राजनीति हो रही है, राजनीति के धर्म का पालन नहीं हो रहा जी। अश्विनी जी, शिवकांत जी तो शायद चाहते हैं कि राजनेताओं की दुकान बंद कर जाए, ऐसे ऐसे शब्द काम में लिए जो राजनीति में है ही नहीं, समता, समरसता, धर्म विहीन राजनीति। तो शिवकांत जी मुझे लगता है एंटी पॉलिटिशियन है। आप समझ रहे हैं कि हम कैसे रोक सकते हैं इस सारी चर्चा को? क्योंकि हम तो सारा वोट जो है राजनीति का धर्म से ही कर रहे हैं। हम नेता भी धर्म के हिसाब से चुनते हैं, टिकट भी, बहुत सारे लोग हैं जो टिकट भी धर्म के हिसाब से देते हैं। क्या धीरे धीरे आप अपने विषय वस्तु पर लेकर ही आ गए सबको? विजय जी, तो मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा विद्वान मैं ही हूँ, ये तीनों विद्वान जन हैं जिनसे हमें सीखना है, इनके अनुभव से, इनकी उम्र से जी। धर्म और राज्य, जो मेरी छोटी सी एक विद्यार्थी होने के नाते जो मेरी समझ है जी। धर्म और राज्य अलग अलग क्षेत्र। धर्म हर मानव की संपत्ति, निजी संपत्ति होती है और किसी को किसी धर्म को अपनाने के लिए बात ही नहीं किया जाना चाहिए। किस व्यक्ति के ऊपर निर्भर कौन सा धर्म छोड़ना चाहता है, कौन सा धर्म अपनाना चाहता है। और धर्म किसी शासक की संपत्ति नहीं है,
लेकिन वो व्यक्तिगत रुचि और आस्था पर रहेगी। राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ये भी सत्य है, और अनेक धर्मों का समावेश होना। जब ये महाप्रतापी राजा अशोक की बात हो रही थी, उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया, लेकिन बाकी अन्य धर्मावलंबियों से वो घृणा नहीं करते थे, बल्कि तो प्रेम ही करते थे। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न एरा में। भारत में जब धर्म को चित्रित करने की आवश्यकता हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा, और उन्होंने जब संविधान सभा में व्यक्तिगत कानून और धर्म से इसके संबंधित मुद्दे पर बातचीत की बात हुई, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र में धार्मिक उत्पत्ति इस हद तक विशाल है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक भाग को कवर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो धर्म नहीं है, और अगर व्यक्तिगत कानून को बख्शा जाता है तो इसके बारे में मैं निश्चित हूं कि सामाजिक मुद्दों पर हम रुक जाएंगे। जी, यह कहने में कोई असामान्य बात नहीं है कि हमें धर्म के अर्थ को इस हद तक सीमित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे विश्वासों और समारोहों का विस्तार नहीं कर सकते हैं जो औपचारिक रूप से धार्मिक समारोह से जुड़े हैं। जी, उन्होंने धर्म और धर्म के मामले का गठन धार्मिक विश्वासों और समारोह करने तक सीमित था, लेकिन उनका जहां पॉलिसी की बात आती है वहां पॉलिसीज में धर्म जो है आड़े नहीं आना चाहिए। और वही रतिलाल पानाचंद गांधी वर्सेस बॉम्बे क्षेत्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया। जी अश्विनी जी, एक चीज जो जानना चाहता हूं, जो अमिताभ जी ने कही, क्योंकि आप दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट से और कानूनों के जानकार लोग हैं, कि क्या आप 15 से 21 आर्टिकल 15-21 का जिसका जिक्र अमिताभ जी ने किया और 29-30 का जिक्र उन्होंने किया, क्या इन दोनों में आप कंट्राडिक्शन देखते हैं? कायदे से अगर हम देखें, मेरा अगर आप ओपिनियन पूछेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। जी, क्योंकि जब अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म जाति नस्ल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जी भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले व्यय को करमुक्त घोषित किया जाएगा, अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धार्मिक सिद्धांत विश्वासों का प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, और धार्मिक अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है। तो जो अनुच्छेद 30 है उसमें जो अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनका प्रशासन करने का अधिकार, तो प्राइमा फेसी ये दिखता है। जी, प्राइमा फेसी ये दिखता है कि कंट्राडिक्शन है। अमिताभ जी, आपसे समझना चाहता हूं, आपने और अश्विनी जी ने दोनों ने एक बात कही कि ये कंट्राडिक्शन है। 75 साल में 100 से ज्यादा संविधान में बदलाव हमने कर दिए, इस पर क्यों नहीं ध्यान गया हमारा? क्यों हिम्मत नहीं करते हम? जब इतना बोल सकते हैं तो हिम्मत क्यों नहीं करते? बदल दीजिए, कंट्राडिक्शन को खत्म कीजिए। आप म्यूट हैं। पहले थोड़ा सा संक्षेप में शिवकांत जी ने जो कहा, शिवकांत जी ने जो कहा, मैं उस पर हल्का एक अपना मंतव्य रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज धर्म का जो है वो बहुत गंदा प्रयोग हो रहा है राजनीति में। मैं बहुत ही इसमें क्षमापूर्वक कहना चाहता हूँ, ये बहुत विद्वान होंगे लेकिन इनके मन में एक पूर्वाग्रह शायद दिखता है कि यह आज शब्द का या अभी शब्द का मतलब, आज का मतलब अशोक से जो धर्म जो गलत अमिताभ जी, मैं समझता हूँ आज का मतलब शिवकांत जी सम्राट अशोक से मॉडर्न एरा की बात। विजय जी, नहीं आज की सरकार की बात, मेरी बात करो। नहीं नहीं विजय जी, विजय जी और मैं उनके दूसरी बात पे भी आऊं, उनको उन्होंने अशोक से लेके विक्रमादित्य की बात की, जो मुस्लिम शासकों के धर्म की बात उन्होंने क्यों नहीं की? क्योंकि सल्तनत से लेके मुगल साम्राज्य तक पूरा का पूरा धर्म जो था, राज धर्म था, वो इस्लाम था। इनकी इनकी बात से करने से क्यों चूक गए रवि शिवकांत जी? मैं मानता हूं इनमें पूर्वाग्रह है और पूर्वाग्रह को आगे बताना पड़ेगा। मैं व्यक्ति पर बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं एक मिनट नहीं नहीं एक फिर तो रहने दीजिए, आपका आपका पूरा कार्यक्रम बोर हो जाएगा। मैं आपकी बात, बोरियत की बात नहीं, आप जो बात कर रहे हो ठीक है, आवश्यक आप उसे शिवकांत जी के अलावा भी कह सकते हैं। सुनिए, नहीं मैं क्यों बोलूं, उन्होंने बोला है, मैं उनको भी पूरा अधिकार है मेरी बात का आलोचना करने का मेरे नाम से। मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने बौद्ध धर्म से लेकर के और जो जो ब्राह्मण धर्म पुष्पित्र सुग ने शुरू किया और उसके बाद वो विक्रमादित्य तक आए, तो उन्होंने सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड के इस्लाम शासन का क्यों नहीं जिक्र किया? इसमें धर्म ही सब कुछ था और जबरदस्ती धर्म से ही राजनीति की जाती थी और जबरदस्ती कहा जाता था तुमको यदि इस धर्म का पालन नहीं करना है तो तुम मरोगे। और मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की असहिष्णुता ने ही
रिएक्शन में, प्रतिक्रियावाद के रूप में ऐसे विषय को जन्म दिया, क्योंकि यहाँ सनातन धर्म जो है वो बहुत सहिष्णु धर्म है, यहाँ पर प्रतिक्रियाओं की व्यवस्था बहुत कम होती है। लेकिन आप बिल्ली को भी कोने में धकेलोगे ना तो प्रतिक्रिया करेगी वो, ठीक है। आपको लगातार यदि ऐसी परिस्थिति में 1947 के बाद भी धकेला गया हो तो क्या ऐसा आपको लगता नहीं है कि अब विषय आ गया है कि उसमें बहुसंख्यक यदि हैं तो उनके भी अधिकारों की चर्चा हो। अब मैं बात आप पे आता हूं आपके, कि आपने कहा कि संशोधन क्यों नहीं होता है। देखिए, संशोधन के लिए सबसे पहले संवैधानिक आवश्यकताएं हैं, जिसमें संविधान संशोधन के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो होती है कि एक रिक्वायरमेंट संख्या बल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में दो तिहाई के तरह, जब तक दो तिहाई दोनों सदनों में हो या फिर कंबाइंड दो तिहाई हो, और उसके बाद ही कोई जो संविधान में संशोधन हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जो आज के रिजिम में, मुझे नहीं पता, मैं किसी पार्टी या किसी सरकार के बारे में यहाँ कुछ कहने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी संख्या नहीं है। यदि उनके मन में कुछ होगा भी शायद कि ऐसी स्थितियों को बदला जाए, तो अभी उसके लिए समय नहीं आया, क्योंकि उनका संख्या नहीं है जितना मैं जानता हूँ। हो सकता है शायद संख्या है तो वो बदले। और मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था जो है आज से शुरू नहीं हुई है, इसलिए कहना कि अब ये धर्म का उपयोग होने लगा है, मुझे लगता है ये बहुत पूर्वाग्रह से ग्रस्त वक्तव्य है और इससे बचना चाहिए। जी अमिताभ जी, वैसे मैं हिम्मत का जवाब टेक्निकलिटीज में नहीं समझता, टेक्निकल एक्सक्यूजेज जो है ना, हिम्मत का जवाब नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। जो आपने कहा कि आज जो है टेक्निकल इशू है कि राज्यसभा लोकसभा में बहुमत नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा, ये एक टेक्निकल इशू है। एक पॉलिटिकल विल और टेक्निकल इशू में मैं फर्क समझता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं शिवकांत जी के पास इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि शिवकांत जी पर आपने निजी तौर पर कहा। शिवकांत जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से अमिताभ जी मेरी बात समझ ही नहीं पाए पूरी तरह से। मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि भारत के ज्यादातर कालखंड में, भारतीय इतिहास के केवल अगर जो है अशोक और उसके कुछ उत्तराधिकारियों को छोड़ दें जी, तो धर्म और राज्य दोनों अलग रहे हैं, जिसकी स्थापना कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य से शुरू की। वो अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ें तो उसमें धर्म और राज्य दोनों अलग हैं, उसके अलग रखने की ही व्यवस्था है, इसीलिए समता और समानता रही। मैंने इस्लाम वाले शासन का नाम इसलिए नहीं लिया कि वो तो स्वतः हर आदमी जानता है कि इस्लामी राज्य बिना धर्म राज्य के हो ही नहीं सकता, तो उसकी चर्चा करना ही बेकार है। जी। और जब मैं आज की बात कर रहा था तो आज का मतलब नहीं, 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 आपके दर्शकों को, आपके दर्शकों को ये अपेक्षा है आप अगर लगाएंगे आप इस्लाम की चर्चा करें, बात नहीं कर रहा हूँ। आज का मतलब है स्वाधीन भारत की। हाँ, वही मैंने कहा कि आज का मतलब वो आज के दिन की बात नहीं कर रहे हैं या आज के सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, उनका समय था मॉडर्न इंडिया और पुराना जो हमारा जी निश्चय करेंगे या अमिताभ जी खुद समझ जाएंगे पूर्वाग्रह है कि नहीं। जी, अमिताभ जी खुद विद्वान है, वो समझते हैं सर। अश्वनी जी, मैं जो बात अमिताभ जी से पूछ रहा था, क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि ये सिर्फ टेक्निकल इशू है कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत नहीं है या पॉलिटिकल विल नहीं है? सीधा जवाब दीजिए आप मुझे। दोनों बातें हैं। आपको संविधान के प्रति अगर आस्था विश्वास जगाना है तो संविधान में जो टेक्निकलिटीज हैं उसका पालन आपको करना होगा जी। और आप इस देश में खास तौर से एक 75 साढ़े सात दशक से ज्यादा का समय हो गया जी, जो गलत व्याख्या कुरीतियों और जो गलत अमेंडमेंट्स है उनको चेंज करने की जरूरत है, तो ये पॉलिटिकल विल तो चाहिए। मैं कहता हूं आर्टिकल 44 की बात कर देते हैं। चलिए, आर्टिकल 44 संविधान सभा में क्यों छोड़ा गया जी? वो राज्यों के विजडम पर छोड़ा गया, राज्यों के विजडम जी। इसलिए राज्यों के विजडम पर छोड़ा गया कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि संविधान सभा में एक मत से जो चीज आज नहीं हो सकी क्योंकि फंडामेंटलिस्ट की वजह से, वो चीजें बाद में राज्य, जिस राज्य में जिसको लगेगा वो कॉमन सिविल कोड लेकर आएगा जी। मैं कहता हूं गोवा के अलावा इस देश का एक भी राज्य ऐसा बता दीजिए किसी भी पार्टी को रूल कर रहा हो, कितने वर्षों से रूल कर रहा हो, कि उसने कॉमन सिविल कोड जो आर्टिकल 44 की ट्रू भावना है उसको लगाया जी। ये जरूरत है, ये इस तरह की अमेंडमेंट्स क्या करती है, प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स हो, वो प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स नहीं आई। जबकि क्या है कि धर्म की अफीम पिलाकर, और जो चीजें चलती हैं कि कोई पार्टी आएगी तो हम
इतनी इतने धार्मिक स्थल बनवा देंगे, दूसरी पार्टी आएगी तो हम इन धार्मिक स्थलों को बनवा देंगे, ये करने के बजाय जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जो आर्टिकल 44 की मूल भावना है, कॉमन सिविल कोड, ये चीजें जब तक देश में नहीं आएंगी तो प्रोग्रेसिव सोच नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर कन्फाइनमेंट होना चाहिए और धर्म और राज्य हमेशा से अलग रहे हैं, आज भी अलग होना चाहिए। धर्म को राज्य से नहीं छोड़ जाना देखा जाना चाहिए, धर्म अलग विषय है और शासन अलग विषय है। जी अमिताभ जी, आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? नहीं मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत में उसके सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, जो भी कह समझ लीजिए आप विजय जी, और यहाँ के जो माननीय हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी समझ लें कि ये यहाँ पर बहुसंख्यक जो है वो बहुत उदार है, यहाँ हिंदू या सनातनी जो भी आप कह लें, उसके अंदर में एक जिसको आप कहते हैं ना आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली वो सहिष्णु होता है, वो सबको समाहित करके चलता है। यहाँ चाहे विदेशी आए हों, विधर्मी आए हों, आक्रांता आए हों, जिन्होंने उन पर अत्याचार किया है उनको भी उन्होंने अपने अंदर समेटने की कोशिश की है। सर मैं बहुसंख्यकों की बात नहीं कर रहा, आप इसको जनरलाइज मत कीजिए, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पॉलिटिकल विल है आज जो जिन चीजों को आप खराब समझते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उतना विद्वान आदमी नहीं हूं, आपको जो पसंद नहीं है क्या वो आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। आप तो एक शब्द को 50 साल हो गए मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, वहीं आ रहा था लेकिन शायद मैंने भूमिका लंबी की। देखिए जो सहिष्णु होता है ना वो धीमा चलता है जी। और इसीलिए मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी सरकार या किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। देखिए यहाँ भी जैसे आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, उसमें दोनों चीज़ें थी, उसमें पॉलिटिकल विल था लेकिन वहाँ पर टेक्निकलिटी भी थी कि उसमें संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं थी, उसमें सिर्फ एक जो प्रेसिडेंट्स के प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑर्डिनेंस की वजह से इसके कारण हटाया जा सकता था, तो उसको सरकार ने हटा दिया, बहुत उसके लिए स्वागत, उसके लिए बहुत साधुवाद सरकार का है। और दूसरी बात मैं जहाँ तक करना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे और भी कानून जो हैं जो संविधान संशोधन के लिए पहले भी पारित हुए हैं, जैसे NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनने की बात हुई थी, वो पूरे संसद ने एकमत होकर पारित किया था। लेकिन ये विषय जो ऐसे हैं जिसमें अल्पसंख्यकों की बात होती है, उसमें बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ता है कि अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के कारण पूरे का पूरा विपक्ष एक साथ होगा और ऐसे किसी प्रयास को ध्वस्त कर देगा। इसीलिए यदि इनके पास प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं इस वर्तमान रिजीम के पास, तो नहीं प्रयास करने का क्या मतलब है, सबों को पता है रिटन ऑन द वॉल, ये लिखावट है विधिवालों की, नहीं विजय जी किसी तरीके की गलतफहमी में मत रखिए, जहां ये अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की बात होगी सारे एकजुट हो जाएंगे और वहां पर किसी भी अच्छे, आप शाहबानो केस में क्या हुआ था आप याद करिए, कांग्रेस ने शाहबानो केस में एक सुंदर जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, कांग्रेसी सरकार ने उसको पलट दिया। मैं ये मनाना चाहता हूं कि इस तरह के विल होने के बाद भी आपको बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका समय का इंतजार करिए और जिस समय संख्या बल आपके पास हो उस वक्त बदल दीजिए देश हित में। शिवकांत जी बहुत छोटा सा कॉमेंट आपका चाहता हूँ, आखिरी वक्त नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपका एक कॉमेंट चाहता हूँ, पॉलिटिकल विल और टेक्निकल इशू क्या आप समझते हैं? देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी और अगर आप बात को आगे ही नहीं रखेंगे तो उसमें टेक्निकलिटी, उसके लिए उसका विकास कैसे होगा जी? आप किसी को तो बात आगे रखनी होगी ना जी। ठीक है आज आप इस स्थिति में नहीं है, आपको लगता है कि आप तकनीकी रूप से जीत नहीं हासिल कर सकते, इसके बावजूद अगर सही बात है तो आपको रखनी तो चाहिए जी। आप सत्ता में आए किस लिए हैं जी? बहुत बहुत शुक्रिया, ये बात ठीक है कि सही बात रखनी चाहिए, अमिताभ जी की बात काफ़ी हद तक सही है कि जब तक बात संख्या नहीं हो तो लोकतंत्र में उस तरह की जीत हासिल नहीं होती। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ सिन्हा जी, शिवकांत शर्मा जी, अश्वनी जी और प्रोफेसर मदला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए, इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी 70% लोग चाहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखें, राजनीति को धर्म से अलग रखें। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन भी जाना और अब छोटी सी बात मेरी भी, राष्ट्रवाद, धर्म और राजनीति
इनके मॉकटेल के बिना कोई भी दल अपने बल को कम और कमजोर पाता है। आज के परिवेश में DOD यानी धर्म ऑन डिमांड हो गया है और धर्म का भोग ये कुर्सी पर बैठकर भोग रहे हैं। झंडा, दंगा और पंगा शहर में 5G की स्पीड से चल रहा है। नेता धर्म का बीज बोते हैं, उनके समर्थक नफरत का खाद पानी डालकर उसे पेड़ बनने पर मजबूर करते हैं, भूल जाते हैं कि यह पेड़ बबूल का है, पीपल का नहीं। फिर भी आम जनता उस पर मत्था टेकने चली जाती है। कहीं अचानक से मंदिर मिल जाता है तो कहीं मस्जिद, कभी ये मंदिर में नजर आते हैं तो कभी ये मस्जिद में, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनकी दुकान DOD के बिना नहीं चलेगी। DOD का मतलब समझ गए ना आप, धर्म ऑन डिमांड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।